साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और आपसे सर मुझे दो दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं और ट्रेसिंग आपको समझ में आई है? तो मतलब पहले भी सीखा है सर कहीं पर, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ के मामले में कॉम्पोनेंट्स भी कोई चीज होता है उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है। सर तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? सर कभी नहीं बनाया। और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया? हाँ, टेस्ट किया सीरीज पहले, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी। 8 साल से काम कर रहा हूँ तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का, पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला। सर आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार, तमिलनाडु से। तो आप मुझे बताओ कितने कौन से नंबर के आईफोन तक जो 4 मिलेगा, 4 पिन का कनेक्टर, और कौन से नंबर के आईफोन में आपको 3 पिन? और सर मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो सर का यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत वर्क आता है उनको जरूर यहाँ पे आना चाहिए, एक बार तो जरूर आके कभी भी समय निकाले, अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, ये मेरा सोचना है। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है और अभी नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है? इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन? कितने दिन हुए हमें यहाँ पर? बस 3 दिन हुए हैं यहाँ पर हमने, और दिन में भी मेहनत की और रात में भी। रात में कौन आते हैं पढ़ाने आपको? राजेश सर आते हैं पढ़ाने आपको? चलिए 2 बजे रात में सर पढ़ाते, नींद आने लगती है तब भी पढ़ते हैं, तब भी पढ़ते हैं यहाँ पर। चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच। अभी इन्होंने डायोड बता दीजिए, तो कोई भी आ जाओ आप बताओ। तो यहाँ पर अच्छा ही बताइए आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? जालम सिंह, डिस्ट्रिक्ट रायसेन एमपी। अच्छा मुझे बताओ कि ये डायोड क्या काम करता है? डायोड का काम होता है प्रोटेक्शन। अगर वो कैसे, सीरीज लगाओ कि पैरेलल लगाओ? वो आपका पैरेलल पैरेलल लगाओ। अगर सीरीज में लगाओगे तो डायोड क्या काम करेगा? सीरीज में अगर लगा है तो वो वोल्टेज को रोकने का काम करेगा। तो वही एसी से डीसी बदलना और इवन वोल्टेज को रोकता भी है, जैसे लाइट सेक्शन में लगा है। ठीक है, अगर डायोड की चेकिंग बताओ? डायोड को मल्टीमीटर की दोनों तरफ से चेक करेंगे, एक और से उसको वैल्यू बताना चाहिए, एक और से नहीं बताना। अगर आपको ये भी पता है, ये भी बताएगा कि डायोड लीकेज हुआ तो कैसे आएगा जी, और अगर डायोड में शॉर्टिंग हुई तो कैसे आएगा जी, ये बताए। अच्छा ये बताओ सीरीज डायोड कहाँ कहाँ लगा मिल सकता है? सीरीज डायोड लाइट सेक्शन में मिलेगा और चार्जिंग। वेरी गुड। सो डायोड ये बताओ कि डायोड जो पैलर लगे होते हैं वो कहाँ कहाँ लगे होते हैं? अधिकतर सेक्शनों में लगे होते हैं। अधिकतर सेक्शन में लगे होते हैं, क्यों? वो काम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं बेसिकली। अच्छा मैं यहाँ पर पूछना चाहूंगा कॉइल बताओ, कॉइल के कितने प्रकार होंगे? कौन कौन सी? बूस्ट कॉइल और सिंपल कॉइल। सिंपल कॉइल और बूस्ट कॉइल और सिंपल कॉइल भी। आपको कैसा लगा यहाँ पढ़ के? बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा। कहाँ से आए हैं आप? मैं सर सिलवानी से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट रायसेन एमपी से। थोड़ा अपने बारे में बताइए। लगभग 18 साल से मैंने काम किया है दुकान पे, मुझे लगता था कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ और यहाँ पे आके मुझे ऐसा लगा कि मैं कुछ नहीं जानता हूँ। और आपसे सर मुझे 2 दिन में ऐसा पता चला कि अब मैं बहुत फुल मैकेनिक बन चुका हूँ। बन सकते हैं। और ट्रेसिंग आपको समझ में आई यहाँ पर? बिल्कुल सर। सीरीज पैरेलल यहाँ पर आपको समझ में आया कि कंपोनेंट का नॉलेज होना एक मोबाइल बनाने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है जी सर। और सीरीज पैरेलल और ये सारी चीजें 2 सेकंड में समझ में आ गया सर, सीरीज और पैरेलल। थैंक यू वेरी मच, इनके लिए ताली बजा दो यार। चलो आप करे हो, क्या नाम बताया आपने? क्या नाम है आपका? विजय फ्रॉम मैंगलोर। तो विजय आप ये बताओ, आप हिंदी में बात करेंगे कि इंग्लिश में? हिंदी में बात करेंगे। सो आप मुझे बताओ कॉइल उन्होंने बताया एक बूस्ट कॉइल और एक नॉर्मल कॉइल, नॉर्मल कॉइल भी कितने प्रकार के लगे होंगे? बहुत प्रकार के रहे। तो चलिए आप मुझे ये बताओ विजय कि आपने बताया कि बहुत सारे तरह के कॉल हो सकते हैं, तो नॉर्मल कॉल कितने प्रकार के होंगे यहाँ पर? नॉर्मल कॉल में ड्यूअल कॉल रहते हैं और कपलर रहता है। अगर नॉर्मल कॉल अगर आप नॉर्मल कॉल में आप जंपर लगाना चाहते हो तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए, और जंपर नहीं लगाना है तो उसमें क्या कंडीशन होनी चाहिए? अगर नॉर्मल कॉल जंपर लगाना है तो पैनल में तो जंपर नहीं लगाना चाहिए, और सीरियस में तो कॉल को हम लोग जंपर कर सकते हैं। पर सही तरीका क्या है कि एक कॉम्पोनेंट को दूसरा लगा दिया जाए उसमें, मतलब वही कॉल हम क्या कर देंगे, रिप्लेस करेंगे। रिप्लेस करना बेस्ट तरीका, वो भी कहां से उठाकर? वही सेम सेक्शन, सेम सेक्शन के किसी दूसरे बोर्ड से बिल्कुल लगा सकते हैं। अच्छा मुझे यहाँ पर एक बात बताइए कि कॉइल को कैसे चेक किया जाता है? कॉइल को हम लोग कंटिन्यूटी पे चेक कर सकते हैं। तो उसमें क्या आएगी? उसमें बीप आएगी। और अगर मान लीजिए बीप आ रहा है उसके बाद भी कॉइल, क्योंकि कॉइल लीकेज हो सकता है, तो उसमें क्या कंडीशन, उसमें हम कैसे चेक करेंगे?
उसमें हम लोग को वैल्यू आना चाहिए। कितनी वैल्यू आनी चाहिए आप बताओ? 0.5 से 2.5 वैल्यू आनी चाहिए। सही बोला इन्होंने, यहाँ पे आनी चाहिए। कैसा लगा आपको यहाँ पे बढ़ के? अच्छा सर, और मैंने ऑलमोस्ट 8 ईयर से काम कर रहा हूँ हार्डवेयर में। हम लोग बहुत वीक थे, इधर आने के बाद हम लोग को पता चल रहा है क्या कंपोनेंट्स है, क्या कंपोनेंट्स की वैल्यू है और कैसे चेक करना है और कैसे बनाना है मोबाइल। ट्रेसिंग का थोड़ा नॉलेज मिला है यहाँ पर? हाँ मिला है सर। चलिए ठीक है, वेरी थैंक यू वेरी मच। इनके लिए ताली बजाओ क्योंकि बोलना बहुत बड़ी बात होती है। नाम बताइए आपका? चिंटू कुमार राम, कांग्रेस मेंबर। आप ये बताओ, जैसे आप इनको पूरा करते हैं कि इन्होंने बताया कि एक कॉइल में हम दो तरीके से चेक कर सकते हैं, कौन कौन से दो तरीके? सर बीप में और 200 पे रख करके, 200 पे रख के हम चेक कर सकते हैं। और इन्होंने ये भी बताया कि किन कॉइलों को जंपर नहीं लगाना चाहिए, एक बार फिर से बता दीजिए किन कॉइलों को? एक नॉर्मल सिर्फ बूस्ट कॉइल को जंपर नहीं लगा सकते। बूस्ट कॉइल को जंपर नहीं लगा सकते हैं, क्यों? क्योंकि सर वो बूस्ट करता है, बूस्ट करता है। जंपर लगा दोगे तो बूस्ट नहीं। बूस्ट कॉइल कहाँ कहाँ लगा मिलेगा? लाइट सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन में। लाइट सेक्शन और डिस्प्ले सेक्शन में। और उसके साथ एक और एक कंपोनेंट है, वो भी जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो वो बूस्ट नहीं करेगा। चलो ये आपको मिला। अच्छा ये बताओ कि अगर आपका ईयर पीस या रिंगर की ट्रेसिंग में बताओ, क्योंकि अभी मैंने 3 दिनों में इन कंपोनेंट के साथ ये ट्रेसिंग भी बताई है कि किसी भी मोबाइल की आए, ये आईफोन की आए या फिर कोई एंड्रॉइड या कीपैड की, तो उसको बिना सर्किट डायग्राम के ट्रेस कर सकते हैं आप? कर सकते हैं। अच्छा उसका सर्किट, जैसे इन्होंने सर्किट भी बनाया ना, यहाँ पे क्या नाम है आपका? तुमने इससे पहले कभी सर्किट बनाया था क्या? ऐसे कभी नहीं बनाया। और तुमने बिना सर्किट डायग्राम के पूरा सर्किट बनाया, उसका ट्रेस किया सीरीज पैरेलल, क्योंकि उसमें किस किस चीज की नॉलेज होना जरूरी है? सर एक नंबर कंपोनेंट का नॉलेज होना चाहिए, सीरीज पैरेलल का नॉलेज होना चाहिए और एक ट्रेसिंग, ट्रेसिंग का नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको बताओ कैसा लगा यहाँ पे पढ़ के? बहुत अच्छा सर, मैंने तो मतलब पहले भी सीखा है सर टाइम पे, तो बस मोबाइल का कॉम्बो वोम्बो और ये सर स्पीकर चेंज करना सिखाया था, पर यहाँ के मामले में कंपोनेंट्स भी कोई चीज होता है उसको भी टेस्टिंग किया जाता है और चेक किया जाता है सर। चलो ठीक है, थैंक यू, मेरे इनके लिए भी ताली बजा दो। तो यहाँ पर इन्होंने तो यार बहुत अच्छा सर्किट, मैंने आपसे बोला आप सब लोग मुझे बना के दो भाई, एक इनके लिए स्पेशल ताली बजाइए, ठीक है? क्योंकि इनने वो मेहनत की जो मैंने इनसे बोला था कि करने के लिए, और इन्होंने मुझे रात में फेसबुक में इन्होंने दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच आप सभी का। सो यहाँ पर एक मैं बीबेट की बात करना चाहता हूँ यहाँ पर। क्या नाम है आपका? कहाँ से आए? अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मेरे पास ये बैटरी कनेक्टर उखड़ जाए किसी भी मोबाइल का और उसका टेस्टिंग पॉइंट ना हो, सो मैं बना सकता हूँ उसको? उसके लिए क्या ढूंढना पड़ेगा? किन कॉम्पोनेंट में और कहाँ कहाँ लगे हो सकते हैं वो? या तो आईसी के पास, और अगर उसमें सब में एक जैसी रीडिंग आ रही है, क्योंकि उसमें हो सकता है ना वो रीडिंग भी एक जैसी आ रही है, सो उसकी बताने की उसकी कैसे चेक करते, उसकी ट्रिक भी आपको पता है? उसको जैसे हम चालू कर सकते हैं, मतलब बिना बैटरी कनेक्टर से भी हम फोन को क्या कर सकते हैं? चालू। बैटरी एरर आता है वो किन फॉल्ट के कारण आता है? BSI के फॉल्ट के कारण आता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। कैसा लगा यहाँ पढ़ के? अच्छा लगा। चलो ठीक है, थैंक यू। अब यहाँ पर एक हाँ भाई उठो उठो उठो, शर्मा क्यों रहे हो? मुझे ये बताओ कि अगर देखो सो अच्छा तुम मुझे बताओ कि अगर एक बैटरी एरर, अगर एक जो हमारी बैटरी कनेक्टर में जो बीच वाला पिन होता है वो पिन का नाम क्या है? BSI पॉइंट। उसमें क्या एरर आ सकते हैं? सर उसमें बैटरी टेम्परेचर का भी एरर आ सकता है और चार्जिंग एरर का भी वो एरर आ सकता है, बैटरी एरर भी आ सकता है। सो वो एरर, वो जो एरर आ रहे हैं वो कितने फॉल्ट के कारण आता है, क्या क्या फॉल्ट हो सकता है उसमें? BSI लाइन सर मिसिंग के कारण भी अगर ओपन हुआ तो क्या हमें लाइन ढूंढनी पड़ती है? ओपन अगर वो होता है तो सर उस कंडीशन में रजिस्टर जो है उसका खराब हो सकता है और डायोड भी उसका हो सकता है सर। सो आप बताओ अगर ओपन कंडीशन आएगी तो क्या हो सकता है? सर ओपन कंडीशन में सर रजिस्टर और कॉइल सर, मतलब वो सीरीज करेक्शन, सीरीज सिलेक्शन क्या होता है आता है समझ में? बिना सर्किट डायग्राम के किसी भी कंपोनेंट को बता दोगे कि वो सीरीज में है कि पैरेलल में? ठीक है यहाँ पर। अच्छा ये बताओ कि अगर शॉर्ट होगा तो किस कंडीशन में? शॉर्ट कंडीशन में ये होता है सर उसमें कैपेसिटर लगा है, कैपेसिटर लगा है तो शॉर्ट। कैपेसिटर के अलावा? कैपेसिटर के अलावा डायोड सर, प्रोटेक्शन के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। तो लीकेज कंडीशन में? मतलब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे, कैपेसिटर को कैसे लीकेज चेक करते हैं पता है आपको? डायोड को भी पता है, मतलब वन बाय वन चेक करके उसको निकालेंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इनके लिए एक बार ताली बजा दो। कैसा लगा तुमको यहाँ पे पढ़कर? बहुत ही अच्छा लगा सर, और मेरे लगभग 7-8 साल से मेरी शॉप है यहाँ पर, गैरतगंज डिस्ट्रिक्ट रायसेन का रहने वाला हूँ, और लगभग 8 साल से काम कर रहा हूँ। तो मैं अपने आप में ये महसूस करता था कि मैं बहुत ही अच्छा टेक्नीशियन हूँ। लगभग 8 साल पहले एक दूसरे इंस्टीट्यूट में मैंने काम सीखा था हार्डवेयर का,
पर जब मैं यहाँ आया तो मुझे ऐसा लगा कि मैं तो कुछ भी नहीं जानता हूँ। सर के पास यहाँ पर आया तो मैंने सर से 3 दिन में ही बहुत ही काफी कुछ सीखने को मिला सर से। अच्छा, ये जैसे तुमने सोचा था कि एसर टेलीकॉम में 1 महीने में क्या सिखाएंगे, वैसा अब क्या पाया तुमने यहाँ पर? यहाँ पर क्योंकि हम जब आते हैं हम सोचते हैं, जब तुम आए थे शुरू में पहले दिन तो तुम्हारे दिन में डर होगा ना कि 1 महीने में सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। yes, सोच रहे होगे जब तुम यहाँ पर आए थे और गुप्ता के हॉस्टल में रुके थे, yes, तो तुम्हारे दिमाग में रहा होगा भाग जाओ या ये हो जाओ, ऐसा आया था क्या? yes, किन के दिमाग में आता है ऐसा कि पहले दिन में यहाँ पर वो डर कब निकल गया? जब पहले दिन ही निकल गया था, जब पहले दिन ही हमने जब क्लास ली उसके बाद, जब हमने जबकि हमने उस क्लास से पहले भी रात में एक क्लास ली थी राजेश, रात में ली थी और राजेश सर से। यहाँ पर कैसा लगा अनुभव यहाँ पढ़कर? बहुत अच्छा लगा सर। कहाँ से आए हो आप? मैं पंजाब से। पंजाब से, क्या नाम है? सियारपुर से। नाम क्या? इंद्रपाल सिंह। इंद्रपाल सिंह, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। मैं उठाऊंगा रे तो चलिए ठीक है, आप आइए। आपका नाम क्या है? सुरेंद्र कुमार, तमिलनाडु से। तो आप मुझे बताओ कितने कौन से नंबर के आईफोन तक जो 4 मिलेगा, 4 पिन का कनेक्टर, और कौन से नंबर के आईफोन में आपको 3 पिन का? आईफोन 5 तक, एस में नहीं, 5 तक में, और आईफोन 5S और 6-7 में 3 पिन का, 3 पिन का। अच्छा ये बताओ अगर आईफोन 5 में BSI और BTEM की लाइन में सीरीज कॉम्पोनेंट क्या लगा मिलेगा? आईफोन 5 में आपको रेसिस्टर मिलेगा, 4-way रेजिस्टर मिलेगा, आईफोन 5 में आपको कॉइल मिलेगा, कॉइल मिल जाएगा। और यही आईफोन अगर 5F की बात करें 6S प्लस तक कितने पिन का कनेक्टर होगा? वो 3 पिन का कनेक्टर। उसमें BSI में आपको क्या मिल जाएगा? उसमें आपको एक में कॉइल मिलेगा, एक में रेजिस्टर मिलेगा, एक में, और आईफोन 7 में रेजिस्टर मिलेगा। ये मैंने आपको सिर्फ बोर्ड में तो नहीं लिखा है, ये चेक करवाया कि नहीं करवाया? ठीक है ना, यहाँ पर बोर्ड में भी चेक करवाया कि नहीं करवाया? मोबाइल में PCB में चेक करवाया कि नहीं करवाया? ठीक है, तो नहीं तो लोग सोचेंगे कि सर ने लिख दिया आईफोन में इतना इतना है ना, प्रैक्टिकल करवाया ना। सो कैसा लगा यहाँ आकर? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा, यहाँ पर कुछ सीखने को मिला कि नहीं मिला? तो आप लोग देखते होंगे कि जब भी हम ये 3 दिन के आउटपुट बनाते हैं कि ये लोग वाकई में सच बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं यही आउटपुट देख के आप लोग यहाँ आए हो इतनी दूर से, है ना। तो बहुत सारे लोग यहाँ पे, थैंक यू वेरी मच आप लोगों का। और एक बार मैं आप लोगों को अपने लिए ताली बजा लीजिए, क्योंकि आप लोग ने अपने लिए खुद ने बहुत मेहनत की है भाई यहाँ पर, क्योंकि वो भी है, मैंने हमेशा बोलता है, राजेश सर भी हमेशा बोलते हैं कि वही लड़के आओ जो मेहनत कर सकते हैं, हार्डवर्क होता है। यहाँ पर वो लड़के आए जो 2 घंटे वाले पढ़ने वाले हैं, वो पढ़ सकते हैं क्या यहाँ पर? नहीं तो यहाँ पर तो रात में भी हम तो बोलते हैं रात में मेरे से बात, मैंने तो बोला मेरे से बात करना है तो रात के 2 बजे के बाद ही करना पड़ेगा, क्योंकि रात के उसके उसी बाद मैं जवाब देता हूँ लोगों को। सो चलिए ठीक है, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब लाइक कर सकते हैं, और अगर आपने देखा ये उन लोगों के लिए था जिनको कॉम्पोनेंट की नॉलेज नहीं थी, तो उनसे हो सकता है कॉम्पोनेंट की नॉलेज और बढ़ जाए। और दोस्तों ये उन लोगों के लिए है जो कहीं इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं और हो सकता है कि वो 1 महीने में भी फंसे हों, बेचारे उतने भी नहीं सीख पाए जो हम लोग यहाँ पे जो अपने स्टूडेंट से बातचीत में हमने सवाल किए। सो अपने आपको जज कीजिए कि आप कितना सीख पा रहे हैं, और यहाँ पे अपने 3 दिन के आउटपुट के साथ अपने आउटपुट को, तो दोस्तों 3 दिन के आउटपुट के साथ मैच कीजिए। हो सकता है कि आप अपना टाइम वहां वेस्ट कर रहे हो, मेरे को लगता है कि दोस्तों यहाँ पर है ना, ये इंस्टीट्यूट है, ये कोई कॉलेज नहीं है कि आपने बैग लटका के घूम रहे हैं साल भर साल आप सीख रहे हैं यहाँ पर। जैसे आप लोग बताओ, आप लोग को अपनी शॉप छोड़ के आए हो ना? जी सर। अगर मैं आपको 4 महीने रोक लूँ तो आप कभी आओगे क्या यहाँ पर? नहीं सर। नहीं आओगे ना 4 महीने के लिए दुकान बंद करके? जी सर। तो 5,000 रुपए का सर पर डे का नुकसान होता है, पर डे का नुकसान होता है, और इतना नुकसान छोड़ के आप और यहाँ सीखने आ रहे हो, उसका रीजन क्या है सर? मैं इसके लिए क्योंकि एक वीडियो बना रहा हूँ आज, और यही बता रहा हूँ कि नॉर्मल लोग क्या बोलते हैं, सर मेरा 10 दिन की दुकान, मेरा अच्छा खासा बिजनेस है, फिर भी वो मोबाइल बना नहीं पा रहे हैं, क्या रीजन है कि तुम इतना अच्छा कमा रहे हो उसके बाद भी यहाँ आए हो? सर मैंने आपके जो यूट्यूब पे वीडियो देखे थे उसमें मैंने जो कमेंट देखे थे उसमें आपके जो कमेंट लोगों ने किए हैं वो बहुत पॉजिटिव है। और दूसरा सर जो आप लास्ट में बच्चे बोलते हैं ना इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट कौन, उसके साथ लोगों के भाव दिखते हैं, उनका चेहरा दिखता है कि नहीं यहाँ उनको कुछ मिला है सर। उसी उसमें मैं आया सर, मैं भी सोच के आया था कि पहले 2 दिन का डीमो देख लूंगा आकर चल के ये मुझे कुछ दे सकते हैं कि नहीं, लेकिन सर आपकी जो पहली क्लास और आपने 10 मिनट में समझ में आ गया कि नहीं यहाँ से मुझे बहुत कुछ मिल सकता है। तो रोज सर क्लास में कुछ ना कुछ ऐसा सीखने को मिल रहा है जो मुझे जिंदगी भर काम में आएगा सर। चलिए ठीक है, थैंक यू। जो चीज सर हम 1 महीना में सीख सकते हैं उसको हम 3 महीने लगाकर क्यों सीखेंगे, टाइम उतना वेस्ट होता है हमारा सर। सही बात है, और वही तो एक टेक्नीशियन क्योंकि यार प्रोफेशनल होते हैं, हमें सीधे जाके दुकान पे बैठना पड़ता है और अब फिर वहाँ पे अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है साल भर ही।
और सर मैं उन लोगों से भी कहना चाहता हूँ जो सर का यूट्यूब चैनल देखते हैं, जिनको थोड़ा बहुत वर्क आता है उनको जरूर यहाँ पे आना चाहिए, एक बार तो जरूर आके कभी भी समय निकालें, आप अच्छे टेक्नीशियन बन सकते हैं, ये मेरा सोचना है। ठीक है, चलो थैंक यू वेरी मच। और दोस्तों यहीं पे मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इसके साथ में तेजी से चिल्लाते हुए एक चीज कहेंगे जो हमेशा कहते हैं, और इंडिया का नंबर वन बनने वाले स्टूडेंट कौन है। दोस्तों नमस्कार, दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि अभी तक आपने मेरी बुक जो मोबाइल फ्लैशिंग सॉफ्टवेयर में मैंने बनाई है उसको आपने परचेस किया होगा। दोस्तों इसको परचेस कीजिए, इसमें मोबाइल फ्लैशिंग का बहुत सारा ज्ञान है, और इसमें से बातें लिखी नहीं गई हैं, इसमें चित्रों के साथ में बताई गई हैं स्टेप बाय स्टेप कि अगर कोई ड्राइवर किस तरीके से आप इसको ड्राइवर डाल सकते हैं, कौन से CPU की किस तरह से पहचान होती है, या फिर मोबाइल में किस तरह से फ्लैशिंग की जा सकती है, तो सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। इस बुक को खरीदने के लिए आपको लिंक नीचे मिल जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स डाउनलोड करने हैं तो गूगल प्ले स्टोर में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल, मोबाइल रिपेयरिंग से संबंधित वीडियो सर्च करना है तो यूट्यूब में जाइए, लिखिए देवेंद्र अग्रवाल या लिखिए एशिया टेलीकॉम। दोस्तों ज्ञान असीमित है, ये आप पर है कि आप उसको कितना पाना चाहते हैं। थैंक यू मित्रों, यह सरंजी नवीन बुक जो है एडवांस मोबाइल चिप लेवल रिपेयरिंग सीखिए, ये 10% लॉन्च झालेला आहे, हे तुम्हाला घ्यायचं असेल तर हे तुम्हाला ऑनलाइन भेटेल। या व्हिडिओच्या खाली तुम्हाला एक लिंक दिलेली आहे, त्या लिंकला क्लिक करा आणि तुम्हाला हे तुटून परचेस करता येईल। आता या बुक मध्ये तुम्हाला जे आहे ते पूर्ण डिटेल, जे तुम्ही काम करताय किंवा नाही करताय, कंपोनेंट लेवल सारे ऐप्स डाउनलोड करने के लिए आप गूगल प्ले स्टोर में जाकर सर्च बार में एशिया टेलीकॉम सर्च करें, एशिया टेलीकॉम लिखें, और एशिया टेलीकॉम लिखने के बाद आपको हमारे मोबाइल रिपेयरिंग ऐप्स जिसमें सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर और भी काफी ऐप्स हैं जिसमें मोबाइल रिपेयरिंग वीडियो और मोबाइल रिपेयरिंग टूल्स, मोबाइल रिपेयरिंग सॉफ्टवेयर और मोबाइल रिपेयरिंग हार्डवेयर के काफी ऐप्स आपको मिल जाएंगे। इन ऐप्स को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करके लाभ उठाएं। An ISO 9001 and 2008 certified institute. Asia Telecom. Advanced Mobile Repairing Institute. Call for admission 9644139972. Download mobile free repairing Android apps. Link in description. Yeah.